आई एम मेकिंग मूली पालक टुडे। सर्दियों की नहायत आसान और बड़े ही मज़े की डिश है। देसी घी के पराठे हो या देसी घी की रोटी हो, उसके साथ तो चार चांद लगा देती है। बॉयल्ड राइस के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑयल लूँगी, स्लाइस अनियन ऐड कर दूँगी, इसको मैं सौते फ्राई करूँगी जिससे ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हुई है, ज़्यादा ब्राउन नहीं की थी। उसके बाद मैंने इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था 1 चम्मच और साबुत लाल मिर्च ऐड की थी 6 से 7 अदद। उसके बाद मैंने इसमें जिंजर ऐड की थी, ग्रीन चिलीज ऐड की थी और 1 टोमेटो ऐड किया था, मेरे पास फ्रोजन था। आप लोग चाहें तो डाइस टोमेटोज ऐड कर सकते हैं। बस जी उसके बाद इसमें स्पाइसेस चले जाएंगे, जिसमें सॉल्ट है, टर्मेरिक पाउडर है, रेड चिली पाउडर है और थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे। बस जी मसाला जैसे ही रेडी हुआ, इसमें फिर मैंने मूलियाँ ऐड कर दी थी। मूली के पत्ते भी लाजमी ऐड करिएगा। अच्छे से जब वो थोड़ा टेंडर हो जाएगी फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी पालक। पानी से मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि पालक अपना ही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो बस जी फिर इसे मैंने कवर करके इसी में कुक किया था। मैंने इसमें ना सारी चीज़ें ऐड करके रख दी थी। मूली के पत्ते भी ऐड कर दिए थे, पालक भी ऐड कर दी थी और पानी आपने नोट किया होगा मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था। ये जितना भी पानी है पालक का ही पानी है और अगर आप इसमें ज़रा सा भी पानी ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको खुश्क होने में। ये सारा पालक का पानी है और इसे भी ड्राई होने में बड़ा टाइम लग गया था। बस मैंने लो फ्लेम पर छोड़ा हुआ था, ये पक रही थी, पानी भी खुश्क हो गया था। फिर मैंने लास्ट में इसमें क्या किया, 2 चम्मच भर के देसी घी ऐड किया था। उससे पालक, मूली पालक का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत मज़े की लगेगी। बस जी लास्ट में इसमें जिंजर ऐड करें, ग्रीन चिलीज ऐड करें और मूली पालक रेडी है। सर्व करें इसको देसी घी के पराठों के साथ या देसी घी की रोटी के साथ। और जी ये थी आज की रेसिपी। जो नए आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।